एक बात बार बार आती है कि पर्सनैलिटी वर्ड है क्या? कुछ लोगों के लिए पर्सनैलिटी वर्ड का मतलब ही क्लैरिटी नहीं होता। मैं चार पॉइंट में पर्सनैलिटी को डिवाइड करता हूं। तो पर्सनैलिटी का फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए। मैं चार वर्ड बोलूंगा तो आप ऐसा कीजिएगा, वो वर्ड प्लस दूसरा वर्ड प्लस दूसरा वर्ड फिर चौथा वर्ड इज इक्वल टू गुड। पहला वर्ड नोट कीजिएगा, पर्सनैलिटी का मतलब है थॉट्स, आपके विचार। आपके विचारों में कितनी क्लैरिटी है, इससे आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो पर्सनैलिटी का पहला ट्रेट यानी सीक्रेट क्वालिटी जो है आप कि थॉट्स में आप क्लियर है। दूसरा नोट करें, बिहेवियर। नंबर टू, बिहेवियर, कितना बेहतरीन व्यवहार आप दूसरों से करते हैं, कितनी इज्जत के साथ दूसरों को ट्रीट करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी कंपनी का पीएम है या प्रेसिडेंट है, आप कैसे उससे ट्रीट करते हैं। वो आपको गुड मॉर्निंग विश करे, इससे पहले आप उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तब आपकी पर्सनैलिटी है। सो नेक्स्ट इज बिहेवियर। तीसरा नोट करें, ड्रेसिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। किस ओकेजन पे कैसे कपड़े पहनने हैं। आप एक कॉर्पोरेट हाउस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप जींस और टी शर्ट में चले गए, बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा आपको, लाइफ टाइम करियर सेट हो जाएगा। अगर आप एक इंटरव्यू में बहुत डीप शेड की शर्ट पहन के चले गए, जो कि आंखों में लग रही है, भाग जाएगा इंटरव्यू लेने वाला। आपने सोचा अब तो मैं परफ्यूम लगा के जाना, वो कहेगा भाई साहब मुझे एलर्जी है परफ्यूम से, तू पहले इसको ठीक करके आ, तब तक जॉब गई आपके हाथ से। और अगर परफ्यूम, अच्छा दूसरा उपाय देखो, अगर बॉडी से स्मेल आ रही है तो भी कहे काम से। अब भगवान ना करे आपने इंटरव्यू देने के पहले कच्चा प्याज खा लिया हो। An apple in a day keeps the doctor away. An onion in a day keeps everybody away. Never take raw onion before interview. Otherwise you are gone. Because onion जो raw है ना, smells, stinks ना, तो ऐसे ठीक है इधर चलेगा। But किसी formal gathering में आप जाएं, जहाँ close encounter करना है, onion खा लिया आपने, you are gone. पहला हो गया thoughts. दूसरा हो गया behavior. तीसरा dressing. एंड चौथा पॉइंट नोट करें, एटिकेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एटिकेट्स। अब मैं आपको एटिकेट्स के दो चार पॉइंट फटाफट बताता हूं। एटिकेट्स मतलब किस माहौल में मुझे अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है। अच्छा, कुछ लोग आपने देखा खाते हुए, हाँ और बताओ, साउंड आएगा बात। टेक्निक इज व्हेन यू आर, आपको बात भी करनी है तो मुंह जी धीरे धीरे चलना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको अगर इंटरव्यू में बुलाया गया और लंच ऑफर कर दिया गया, और लंच में आपकी एटिकेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए ऑफर करते हैं, खिलाने के लिए ऑफर नहीं करते हैं। कौन? सो वी गॉट थॉट, वी गॉट बिहेवियर, वी गॉट ड्रेसिंग, एंड फाइनली वी गॉट इज इक्वल टू पर्सनैलिटी को प्रस्तुत किया है, छोटे विजन में प्रस्तुत नहीं किया। आज के बाद अपनी थॉट्स में क्लियर रखें, अपने बिहेवियर में क्लियर रखें, ड्रेसिंग के मामले में क्लियर रहें, और घर से शुरुआत करें। एटिकेट्स की शुरुआत घर से होती है। क्लीनिनेस को मेंटेन रखें, लाइट फूड लें, पहले खत्म करें फिर जाके फूड लें। हर चीज में एक आर्ट होना चाहिए, हर चीज में एक जूते खोल के कैसे आप प्लेस करते हैं, ये भी एटिकेट्स का मामला है। कैजुअली रख देते हैं या प्रॉपरली अलाइनमेंट में रखते हैं, ये भी एटिकेट्स का मामला है। ड्रेस उतार कैसी फेंक दी या प्रॉपरली इसको संभाल के रखिए आपने, ये एटिकेट्स का मामला है। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हर चीज आपके, आपने कल टॉपिक पढ़ा होगा, सभी सफल व्यक्ति रोल मॉडल नहीं होते। अगर आपको रोल मॉडल बनना है और आप चाहते हैं लोग आपको कॉपी करें, तो अपने आप को एकदम हर दिन बेटर बनाते जाइए। और ये शुरू में नहीं आता, हमने बहुत सारी गलतियां की, हमें भी नहीं पता था, धीरे धीरे सीखते गए।